भगवान जगन्नाथ तथा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को तो आपने देखा ही है, और आप सब ये भी जानते होंगे कि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण ही है। पर क्या आपके मन में ये विचार कभी आया कि आखिर वासुदेव कृष्ण का ये रूप इतना विचित्र क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है, आइए बताती हूँ। एक बार भगवान कृष्ण सो रहे थे, निद्रावस्था में उनके मुख से अचानक निकला राधे। उनके रोम रोम से राधे निकल रहा था। उनकी 16,108 रानियों ने इसे सुना। सहज स्त्री भाव से वे सोचने लगी कि हम प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, परंतु उन्हें ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। वे यहाँ नहीं हैं, फिर भी वे उन्हें स्मरण करते हैं। आखिर ये राधा है कौन? राधा जी के साथ प्रभु के प्रेम का रिश्ता कैसा था? ये अनुराग किस प्रकार का था? प्रभु ने उनके प्रति प्रेम का प्रदर्शन कैसे किया? और तो और, वे हैं कौन जो श्री कृष्ण के इतने बार स्मरण करने के पश्चात भी उनके सामने नहीं है? रुक्मिणी जी एवं अन्य रानियों के मन में ये सब प्रश्न उठने लगे, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वे सारे प्रश्न आखिर किससे पूछे। उसके बाद सब मिलकर माता रोहिणी के पास पहुंची और जाकर पूछा कि ये श्री राधा कौन है और उनकी कहानी क्या है। बहुओं की जिद पर माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, पर एक शर्त रखी। रोहिणी जी ने कहा, सुनाऊंगी तो सही, पर कृष्ण बलराम और सुभद्रा को इसकी भनक न मिले इसका प्रबंध करो। यदि उन्होंने कथा सुन ली तो वे फिर से व्रज चले जाएंगे। तुम सब मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाओगी, फिर द्वारकापुरी कौन संभालेगा? फिर तय हुआ कि सभी रानियां रोहिणी जी के साथ एक गुप्त स्थान पर जाएंगी। वहां पर सारी श्री कृष्ण लीला कथा कही सुनी जाएगी। उसके बाद माता रोहिणी ने भगवान की शैशव लीला का बखान शुरू किया। भगवान नवजात शिशु के रूप में कैसे लगते थे, किस प्रकार से सोते थे, कैसे बाल सुलभ हट करते थे। रोहिणी जी इतने भाव से सुना रही थी जैसे कथा नहीं है, सब कुछ उसी समय चल रहा है। और फिर शुरू हुआ श्री राधा चरित्र। द्वारका में राधा नाम सुनकर श्री कृष्ण चौंक पड़े और जहां से आवाज आ रही थी उसी तरफ दौड़े। सभा छोड़कर उन्हें भागते देख बलराम भी उनके पीछे पीछे भागे। फिर दोनों भाइयों को भागते देख सुभद्रा जी भी उनके पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद ही तीनों उसी स्थान पर पहुंचे और कान लगाकर सुनने लगे। कथा सुनकर पटरानियां तो डूब ही रही थी, भगवान भी विभोर होकर सुधबुध खो बैठे। श्री राधा चरित्र सुनकर वे तीनों प्रेम में इतना डूब गए कि पिघलने लगे। ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और कद पिघल कर छोटा हो गया। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। तभी अचानक देवर्षि नारद का वहां प्रवेश हो गया। देवमुनि नारद भी भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कोई सुध में नहीं था। कुछ समय बाद नारद जी की तंद्रा भंग हुई। प्रणाम करके उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वो आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चीरकाल तक देखने को मिले। आप इस स्वरूप में पृथ्वी में वास करें। भगवान नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तथास्तु, कली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप में अंगहीन मुझे देखा है, मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। देवर्षि नारद ने जो स्वरूप देखा वो वही स्वरूप है जो आज पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलभद्र का है। तो कैसी लगी ये रोचक कहानी, हमें कॉमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमेश्री, धन्यवाद।